नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने मानव गले में एक संभावित नए अंग की खोज की है जो उन्हें प्रोस्टेट कैंसर पर शोध करते समय मिला। इसके बारे में नीदरलैंड्स कैंसर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने लार ग्रंथियों के एक सेट की पहचान गले के ऊपरी हिस्से में की है और उन्हें ट्यूबरियल सेलिवेरी ग्लैंड नाम दिया है। यह खोज कैंसर के इलाज के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अब तक यह माना जाता था कि नासोफ्रीनिक्स क्षेत्र जो नाक के पीछे होता है में सूक्ष्म फैली हुई लार ग्रंथियों के अलावा कुछ नहीं होता है। नई खोजी गई ग्रंथियां औसतन लंबाई में लगभग 1.5 इंच 3.9 सेंटीमीटर की हैं और यह उपास्थि के एक टुकड़े के ऊपर स्थित होती है जिसे टॉरस ट्यूबरियस टॉरस ट्यूबरियस कहा जाता है। ग्रंथियां शायद नाक और मुंह के पीछे ऊपरी गले को नम और चिकना करती हैं। अब तक मनुष्यों में 3 ज्ञात बड़ी लार ग्रंथियां थी, एक जीभ के नीचे, एक जबड़े के नीचे और एक जबड़े के पीछे। यह गाल के पीछे स्थित होती है। महत्वपूर्ण जानकारी। तकनीक। नए अंग की खोज तब हुई जब वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग कर प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे थे। तकनीक सीटी स्कैन और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पीटी का एक संयोजन है। यह लार ग्रंथि के ऊतकों का पता लगाने के लिए अच्छी तकनीक है।